तहत जो एंटी ड्रग कैंपेन है वो कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बड़ी वड्डी कामयाबी मिली है। 3 किलो हीरोइन फड़ी है और 4 स्मगलर फड़े गए ने। और ये जी बेसिक गल है वो ये है कि दो केस रजिस्टर हुए ने और इन दोनों केसों पाकिस्तान बेस्ड और फॉरन बेस्ड स्मगलर का जोड़ा एंगल वो सामने आया। ये जोड़ा छियाटे दे विच केस दर्ज हुआ जो 2.5 किलो हीरोइन फड़ी गई है। सोहेल है लड़का लाहौरगढ़ गेट अमृतसर का। ये बाहर पाकिस्तान के स्मगलर्स ना डायरेक्टली टच सी और उस तो अलावा बाकी फॉरन कंट्री के स्मगलर्स ना भी इन टच सीगा। ये सारी जी दोनों बड़ी अच्छी रिकवरियां हुई हैं। साडे DCP मिस्टर हरप्रीत मंडेर, DCP साहब अभिमन्यु राणा जी, शिव दर्शन साढ़े ACP और रॉबिन हंस और विनोद कुमार साढ़े SHO, इन दोनों की और इन टीम की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। सोहेल की पूछगिछ तो असी अगे जिहड़ा गल्लां ट्रेस कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वह इस समय असी तुहाडे नाल शेयर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी वड्डा काटल सामने आया है। ये 25 साल की उम्र है, 12वीं पास है, अंडे वगैरह की रेहड़ी लाउंदा सी पैंदा खजाना गेट के कोल अमृतसर। तो 2 महीने तो ज़्यादा सरगर्म होया जो यदि मुढ़ली पुछगिछ तो पता लग्या। दूसरा जिहड़ा थाने सदर का केस है वो 4 बंदे फड़े गए ने। 2 भरा उन्होंने 4 चों 2 भरावां के अक्यूज ने, वो अवतार सिंह है तो समीर, ये दोनों रियल ब्रदर ने, अर्शदीप तो युवराज। ये सारे नौशहरा टाला थाना सराय मानत खान डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के रहने वाले है। और जो अवतार सिंह है ये खिलाफ़ 2 FIR पहले NDPS दी दर्ज है तरन तारण के और हलवाई का काम करता सीगा पहला। उस तो बाद ड्रग स्मगलिंग आ गया और जेल चो बाहर आके भी ये काम कर रहा है। समीर जिहड़ा है ये ब्रदर है, ये खिलाफ़ भी 1 FIR दर्ज है NDPS एक्ट की तरन तारण के। जिहड़ा अर्शदीप हैगा ये खिलाफ़ कोई पहला परचा दर्ज नहीं पर इन्हों तो नाल जुड़िया। ये अलमीनियम के दरवाजे बनाने का काम करता है। और युवराज जिहड़ा ये वेल्डिंग की दुकान है झबाल, तो बट ये खिलाफ़ भी पहला कोई परचा नहीं। और ये दसन मुताब लास्ट 8-10 महीनों तो काफ़ी ये हीरोइन ट्रेड के स्मगलर्स के कॉन्टैक्ट के है। सो मैं इनू बड़ी अच्छी कामयाबी मानदा, तुहाडे नाल प्रेस नोट भी शेयर किया जाएगा। सो साडी जिहड़ी कोशिश यही है कि इहदे विच जिहड़े फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस ने स्पैशली जिहड़े साडे शहर नाल रिलेटेड ने, क्योंकि ज़्यादातर ये तुहानू पता बॉर्डर एरिए दे विचों कंसाइनमेंट्स ते सारा इन्हां दा कॉन्टैक्ट्स बनदे आ। और जिहड़े ओह 4 दोषी दूजे केस दे विच ओह तां पिंड ही सारा काफ़ी इस दे विच अगे फिगर होए आ, उस पिंड दे काफ़ी आपां नूं स्मगलर्स। सोहेल दा जिहड़ा नैटवर्क ओह भी काफ़ी वड्डा दस्या जा रहा और वो भी जिहड़ा अमृतसर रूरल डिस्ट्रिक्ट कुछ जिहड़े स्मगलर्स ना भी इन टच रहा। और सिटी दे विच जिहड़े दे गाहक है वो भी सारे असी जिहड़े इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मैनू उम्मीद है कि इहदे च आने वाले समय सानू काफ़ी अच्छी होर रिकवरी होने की आस है। इहदे च ड्रग मनी ते तोलन वाला जिहड़ा स्केल है वो भी रिकवर होया। और मैं इनू सारी टीम नू बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। सोहेल का अजे पता नहीं लग्या जी, पहला कोई मामला नहीं आया सामने। देखो जिदा आप पहला भी बहुत बार रिकवरिया देखिया कि बाहर बैठे है, जो कोई अपने यूरोप बैठा है, कोई अमेरिकन कॉन्टीनेंट बैठा है, कैनेडा च बैठा है, वो बाहरों बैठे बंदे इन्हों का संपर्क लोकल बंद और पाक बेस स्मगलर्स का आपस कॉन्टैक्ट करवाते हैं। तो उन्होंने फिर असी जी हवाला राही पैसों का भी लेन देन करते हैं। सो इन केसों के भी जी मनी ट्रेल है उन्होंने भी असी बड़ी डूंगाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बेसिकली सारा जोड़े इतों क्रिमिनल बंदे गए या उत्थे बैठे उन्होंने ईजी मनी की जी लालच है वो ही मैं समझदा कि वो इस चीज़ों होर इनकरेज करते। देखो सारा एरिया
मतलब ये हूँ आप जो दसते हैं तो वह आप अमृतसर तो बहर भी दस सकते हैं कह सकते हैं बट अजय उन्होंने कह ता नहीं जा रहे फिर लोग अलर्ट बहुत हो जाते हैं। नहीं नहीं भाई साहब मैं दोबारा रिपीट करदा शायद मेरे कहने कोई तुम समझ फर्क रह गया जो अवतार तो समीर है ये खिलाफ तो पहले ही परचे बहुत दर्ज है। जोड़ा अर्शदीप है ये कहना मैं तकरीबन साल तो कम कर रहा पर ये खिलाफ़ परचा दर्ज कोई नहीं। दूजे ब्रदर जो युवराज वो खिलाफ़ भी परचा कोई नहीं दर्ज वो भी कहना तकरीबन साल तो कम कर रहा। नहीं वो गल अजे नहीं सामने आई जी और जिस तरह आएगी तो शेयर की जाएगी। देखो ये इन्वेस्टिगेशन मैनू नहीं पता किहड़े रेड की आप गल कर रहे हैं बट जो बंदे अरैसट हो जाते उस तो बाद रेड्स से उन्होंने रिकवरी वास्ते तो उन्होंने जी सर्च है सीजर वो तो चलता ही रहता है जी। देखो भाई साहब मैं तो तुम्हें हमेशा दसदा कि ईजी मनी कहोजी चीज़ है कि हर एक बंदा ईजी मनी चाहता है कम घट करो तो ईजी मनी का जो ल्योरमेंट है वो बड़ी साड़ी सोसाइटी वास्ते डेंजरस है कि असं बिना मेहनत तो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं। नहीं देखो पता की है जी आप कह सकते हैं कि ब्लैक शीप हरेक स्फीयर ऑफ सोसाइटी होंगे कालिया भेडा हर जगह होंगे तो आप सारे बदनाम नहीं कर सकते बट डेफिनेटली देखो क्रिमिनल एंगल जिते आता असं किसी स्पेयर नहीं करा और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस संबंध। देखो भाई साहब इदा ही है मतलब पुलिस का तो वैसे भी काम है कि सर्वेलेंस अपनी बढ़ा के रखे और अलर्ट रहे और हरेक बंदे तो नज़र होनी चाहिए साड़ी। बिल आप उदो फे काफ़ी एक केस के मैं याद है जोड़े हवाला वाले बंदे भी फड़े से इधरों ए डिवीजन वालों ये भी करके आप फिर शेयर करा जी। मैं उम्मीद है कि ये आप हवाला ट्रेड और हवाला ट्रेल के जान का वधिया इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलेगा।